फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को अलजेब्रा पढ़ाने जा रहा हूँ। माय नेम इज शॉर्ट तप सिंह और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बेसिक्स। तो अलजेब्रा एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। जैसे मैथमेटिक्स एक ट्री है, अगर ये मैथमेटिक्स एक ट्री है मैथ, अगर ये एक ट्री है तो इसके एक ब्रांच जो होंगे वो ज्योमेट्री होगा, एक ब्रांच उसका अर्थमेटिक होगा, एक ब्रांच उसका अलजेब्रा होगा। अलजेब्रा, ओके। तो ट्री अगर मैथमेटिक्स है तो उसमें बहुत सारे ब्रांच हो सकते हैं, बहुत सारे। तो अभी हम लोग सिक्स क्लास में बहुत सारे ब्रांच पढ़ेंगे, मतलब तीन ही ब्रांच पढ़ेंगे। हायर क्लास में जाएंगे तो और ज्यादा ब्रांच पढ़ेंगे। तो ओके, शुरू करते हैं। तो इसमें एक नया चीज मिलेगा अलजेब्रा पढ़ेंगे तो, एक वेरिएबल, ओके, और एक कॉन्स्टेंट, कॉसेंट, कॉन्स्टेंट, सॉरी कॉन्स्टेंट होगा। तो वेरिएबल क्या हुआ जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है और उसको हम लोग डिनोट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से, जैसे एक्स हो गया, और कॉन्स्टेंट को हम लोग कोई भी नंबर से, जैसे जिसका वैल्यू चेंज ना हो, जैसे फाइव, जैसे टू, कोई भी नंबर, ओके, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। एक्स का, एक्स का वैल्यू कैसे चेंज होगा मैं भी बताता हूँ। जैसे मान के चलिए आप एक दुकान में गए, एक बहुत सारे बुक खरीदना है आपको, मतलब कुछ बुक खरीदना, तो आप दुकान में गए और एक बुक का प्राइस था 5 रुपया, मीन्स 5 रुपीज, ओके, और आपको कितना खरीदना था, 2। इसमें आपको पता है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम x लगा देंगे तो इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ओके। जैसे वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर 10 रुपीज लगेगा आपको टोटल, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 2। 5 और 2 से 10 इंटू करेंगे तो 10 आएगा। अगर जस्ट यहाँ पर हम 20 कर दिए तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। देख रहे हैं एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 30 भी कर दें तो एक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा भाई 6 से एक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन 5 का वैल्यू 5 ही रहेगा। एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है क्योंकि वो वेरिएबल है और ये कॉन्स्टेंट है 5, और 30 भी कॉन्स्टेंट है तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। और समझ गए वेरिएबल कैसे चेंज होगा। अब हम लोग आगे आते हैं एक्सप्रेशन में आते हैं, ठीक है। मेरे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ है, तो जैसे आपका एक्सप्रेशन, जैसे आप जैसे ले लीजिए 5x + 2, तो ये आपका एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है, एक्सप्रेशन हुआ। तो इसको आप जोड़ घटाव कुछ भी नहीं कर सकते जब तक इसका x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। और एक होता है इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में होता है कि यहाँ पर इक्वल साइन होगा, और इक्वल साइन होते के साथ ये हम लोग कहते हैं RHS, यहाँ पर LHS, ओके। तो LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, मतलब जैसे देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको, मैं सॉल्व करता हूँ आपको फिर बताता हूँ।
यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पर x का वैल्यू होना चाहिए 3 होना चाहिए यहाँ पर x का वैल्यू। तो 5 इंटू 3 प्लस 5 इक्वल टू 20। इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू होगा वो RHS मतलब राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो ये हुआ इक्वेशन। तो आप इसे नोट कर लीजिए, LHS इक्वल टू RHS लेफ्ट हैंड साइड, ये LHS का हुआ और RHS का राइट हैंड साइड का वैल्यू ये हुआ, इसको इक्वेशन कहेंगे। क्वेश्चन में इक्वल साइन होना जरूरी है, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोग ने, तो मैं मिटा दूं। एक और चीज मैं बता देता हूं कि यहाँ पर कोई एक नंबर है, यहाँ पर एक वेरिएबल, तो अगर इसके बीच में कोई भी ऑपरेशन नहीं दिया हुआ है, माइनस प्लस डिवाइड इनटू कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है इनटू। और जनरली अलजेब्रा में हम लोग इनटू का साइन नहीं देते, बहुत कम ही देते हैं। अगर एक्सप्रेशन में करना है तो हम लोग कम ही देते हैं। तो इसका मतलब 5 इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, तो एक नया चीज बताता हूँ आप लोगों को, ये पता है ए स्क्वायर, आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ क्या ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, मतलब कोई भी नंबर के ऊपर ये छोटा सा 2 लिखा हुआ हो, जैसे 5 के ऊपर ये छोटा सा 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 इंटू 5। यहाँ पर 8 इंटू 8 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 8 इंटू 8 ये हो गया। अब कोई भी चीज में ये 2 लिखा हुआ हो इसके ऊपर, तो क्या होगा, हमेशा ए वो वही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर ले ले 2, तो 2 ही को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ये आंसर हो जाएगा। तो अगर ऊपर 2 लिखा हो तो वही नंबर को 2 बार सेम नंबर से उसको इंटू करना है। अब जैसे यहाँ पर हम 2 हटा के 8 कर दे और यहाँ पर 2 कर दे, इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करके 8 बार 2 को इंटू करना, जैसे 4 बार हो गया 5 6 7 8, 8 बार हो गया इंटू, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो 2 टू द पावर ऑफ 8 का वैल्यू होगा। ठीक है, अगर ए के ऊपर 8 है या कोई भी नंबर या वेरिएबल के ऊपर 8 है, इसका मतलब वही वेरिएबल या कांस्टेंट को आपको 8 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर 16 है तो 16 बार मल्टीप्लाई करना है, 1000 है तो 1000 बार, जो भी नंबर यहाँ पर टॉप में रहेगा उसको उतना बार वही सेम नंबर से करना है। तो हमको आप वैल्यू निकाल के बताइएगा, सॉल्व कीजिए आप लोग।
क्वेश्चन आप लोग ने सॉल्व कर लिया, मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा 25 और इसका आंसर होगा 1728। अब आप समझ ही गए होंगे क्यों, क्योंकि 12 × 12 × 12 थ्री टाइम्स, 5 × 2 = 25 मीन्स 5 × 5 को दो बार इंटू करना है क्योंकि यहाँ पर दो है, 12 को थ्री बार इंटू करना है क्योंकि यहाँ पर थ्री है, समझ गए। अब मैं आप लोगों को कुछ वैल्यू दू, मैं आप लोगों से वैल्यू सॉल्व कर देता हूँ। पहले मैं कुछ सवाल दे देता हूँ। a² = 1, b² = 2। इससे मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूँ, ये क्या है सवाल, 5a + b - 2 × a क्या होना चाहिए इसका आंसर, सॉल्व कीजिए आप लोग। a का वैल्यू यहाँ पर 1 दिया हुआ है और b का वैल्यू यहाँ 2, समझाया। यहाँ पर a, ये 1, ये a और ये a का वैल्यू 1 हुआ और ये b का वैल्यू 2 हुआ, ओके। तो आप लोग ने सॉल्व कर लिया, मैं आपको ये सवाल सॉल्व करके बताता हूँ कैसे होगा सॉल्व। तो पहले हम लोग को इसको टुकड़ा में, तो 5 × a + b - 2 × a ये आपका टुकड़ा हो गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, आपको वैल्यू दिया हुआ है ये याद रखिएगा, पहला बात याद रखिएगा कि आपको वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर दो वेरिएबल यूज हुए, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये आपका वेरिएबल जो आपका एक्सप्रेशन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कैसे, 5 × a का वैल्यू है 1, मतलब a = 1, अगर यहाँ पर a लिखेंगे और 1 लिखेंगे तो दोनों का मतलब बराबर होगा दिस एक्सप्रेशन में, ओनली दिस एक्सप्रेशन में, दूसरे एक्सप्रेशन में a का वैल्यू चेंज कर सकता है, लेकिन ये इस एक्सप्रेशन में a का वैल्यू 1 है, और प्लस b का वैल्यू 2 है, 2 - 2 × 1 क्योंकि a का वैल्यू 1, ओके। और एक बात जरूरी बात कि a इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी रहे तो उसका वैल्यू सेम ही रहेगा, जैसे 1, अगर आपको दूसरा वैल्यू यूज करना है तो उसके लिए आपको दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। वो बात की बात, 5 × 1 = 5 + −−2 − 2 = 0 प्लस आ जाएगा × 1, ओके। तो ये आपका ऐसा बना, अब 5 + 0 = 2 5, अब 5 × 1 = 5 आंसर, ओके। एक और मैं आप लोगों को सवाल देता हूँ, उसे सॉल्व कीजिए। आप लोग ने कॉपी में नोट कर लिया होगा, उसको नहीं किया तो बैग जाके कर लीजिए। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ इजी सा, a² = 2 b² = 0 क्या होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, ओके। तो आप लोग ने इस क्वेश्चन को बना लिया, मैं सॉल्व कर देता हूँ। आंसर √2 क्या होगा, a का वैल्यू 2 × 0 + 0 × 2 कैसे सॉल्व होगा, तो 2 × 0 कभी नंबर को 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही वापस
हमारा आएगा आंसर एज अ प्रोडक्ट, और यहाँ पर भी जीरो से इंटू करना है तो जीरो आएगा, और जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, टू क्वेश्चन मोर। तो आप लोग ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। 1/35 इनटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 7 सर, और के का वैल्यू है 3। तो अभी इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन आप लोगों को आता ही है, तो 1/35 इनटू 7 5 1 ओके इंटू 3, व्हाट्स लेफ्ट, इधर प्लेस नहीं है तो हम इधर बना रहे हैं ताकि सुविधा हो, ताकि मिटाना ना पड़े। अब हमारे पास क्या बचा, 1/5 इंटू 3, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो 1 का वैल्यू हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 3/5 आपका आंसर। इतना सीख गए आप लोग, नोट कर लीजिए। तो आप लोग ने कर लिया नोट, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।